गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्वागत है आप सबका संदीप सर जीके में। और बच चुके हैं सुबह के कितने, 7। रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है 7 बजे हम करते क्या है, फिर भी रेडी हो जाइए हमारी वार्म अप क्लास के लिए। 7 बजे हम क्या करते हैं, साइंस के वन लाइनर्स करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संदीप सर, जो आपका अपना चैनल है। प्लीज़ वीडियो को, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट्स के हों या रेलवे, जो भी सेंट्रल के हों, जहाँ पर भी आपके जीके में एक क्वेश्चन होता है साइंस का, तो साइंस में जो भी जनरल साइंस पूछी जाती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो जो भी लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, चाहे वो पुलिस का हो या डिफेंस का हो या रेलवेज का हो, जहाँ पे भी साइंस आता है ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सुबह 7 बजे होती है हमारी वन लाइनर्स की क्लास साइंस की, और एक 12 बजे होती है हमारी साइंस एक्सप्रेस। ठीक है, ये 2 क्लासेस मैं ले रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये रहा पहला वन लाइनर आपके लिए। एनेरॉइड बैरोमीटर में होता है, एनेरॉइड बैरोमीटर्स कंटेन्स व्हाट? तो जो एनेरॉइड बैरोमीटर होता है उसमें क्या होता है, मरकरी होता है, पारा होता है। मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, मरकरी क्या एक ऐसा तत्व है जो कि लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि जो तत्व रहते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। मरकरी क्या है, उसका एक एक्सेप्शन, अपवाद है। ठीक है, केमिस्ट्री बिना अपवाद के नहीं पढ़ी जाती, कुछ ना कुछ अपवाद मिल ही जाते हैं केमिस्ट्री में। क्रॉस लिंक पॉलीमर का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। पॉलीमर्स में कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों की, पॉलीमर्स होते क्या हूँ, बहुलक किसको बोला जाता है, जब सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम्स अटैच होते हैं तो वो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, और एक लक से मतलब जो मोनोमर से मिलके कंटिन्यूसली चेन जुड़ती है वो कुछ भी हो सकता है, अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन है तो वो CF बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा टेफ्लॉन बोलते हैं हम उसको। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, तो जो इनके भी टाइप्स होते हैं, तो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा जो पॉली इथाइलीन है। ठीक है, पॉलीथीन, हाँ सॉरी ये इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिख दिया, पॉलीथीन जो है वो इसका किसका एग्जाम्पल है, क्रॉसलिंक पॉलीमर का। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो किसका यूज़ करते हैं हम, डायल गेज का यूज़ करते हैं। देखो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हमको सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनका पता होना चाहिए किस लिए यूज़ होता है, जैसे पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, मीटर किस लिए यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर फॉर वोल्टेज, एमीटर फॉर करेंट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर भी, मतलब ये सारे सारे अलग अलग डिवाइस जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये हमें लर्न होने चाहिए। तो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस आपको नहीं जाना कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है या कुछ वर्किंग, सिर्फ लर्न कर लो। शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायल गेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे ही आएगा, इसका कोई वो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इसका वर्किंग बताओ या इसका कुछ प्रिंसिपल बताओ, लाइक नहीं। आपको उस वन लाइनर वन डे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। Which soil is rich in silica and iron? किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो जो लाल मिट्टी होती है, रेड होती है, वो इसलिए रेड होती है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। नेक्स्ट, बॉडी वेट्स इज मैक्सिमम, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की जरूरत है, सबने ये चीज ज्योग्राफी में भी पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट, मलेरिया डिसीज इफेक्ट्स, तो मलेरिया होती है सबको पता है, मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है या वीक पड़ता है या डिस्ट्रॉय होता है, तो जो प्लीहा होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, ये इफेक्ट होता है। और स्प्लीन को क्या बोला जाता है, RBC की कब्रगाह भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाके हमारी RBCs क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैमरा फिल्म सर्व्स द ह्यूमन आई, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है। तो जो
कैमरा है एक तरीके से, ऐसा देखा जाए कि जो हमारी आईज से ही किसी को आइडिया आया होगा तो उसने फिर कैमरे को इन्वेंट किया। तो जो हमारी रेटिना रहती है ना, जैसे हमारा रेटिना वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे क्या हमारे जो भी कैमरे हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पक्के आम में पाया जाता है, ये इंग्लिश गलत है थोड़ा सा, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आप लोगों से। इन राइपन मैंगोज विच विटामिन्स इज प्रेजेंट। ठीक है, देखो आम खट्टा होता है और हमें ये पता, किसी भी चीज़ में अगर खट्टापन है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, विटामिन सी प्रेजेंट होगा। जब आम पक जाता है तो उसमें दोनों विटामिन सी तो होगा, साथ में पकने के कारण उसमें एक और कौन सा विटामिन आ जाता है, विटामिन ए आ जाता है। ठीक है, तो दोनों आंसर होगा विटामिन ए एंड विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट। द क्लोनिंग टर्म इज रिलेटेड टू, क्लोनिंग पर संबंधित है जनन विज्ञान से, जो हमारी जेनेटिक्स होती है या जेनिकल होती है। पहली चीज ये पता होना चाहिए क्लोनिंग होती क्या है। क्लोनिंग में देखो हम सब जो यानी लाइफ आ रही है तो वो रिप्रोडक्शन के कारण आ रही है, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से। जब वही चीज साइंटिस्ट लोग आर्टिफिशियल तरीके से बनाना चाहें लाइफ को, दैट्स कम्स आउट टू बी इन क्लोनिंग, कि भाई हमारे जैसा ही एक इंसान हो जो पूरी जैसे मैं हूँ मेरा ही एक क्लोन तैयार हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या होती है क्लोनिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, देखो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं ये सारी चीज़ें साइंस बहुत डेवलप कर चुका है। तो क्लोन जब साइंटिस्ट लोगों ने पहला मैमल क्लोन बनाया था वो क्या था, स्तनधारी जीव, जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, डॉली थी। ठीक है, और ये क्या थी, एक भेड़ बनाई थी और वो शायद ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करवाई थी। इंडिया में जो पहला क्लोन बनाया था तो वो हमने असमीज बफेलो का बनाया था। ठीक है, ये वर्ल्ड का वर्ल्ड में पहला जो क्लोन बना था वो शीप था, मतलब भेड़ थी, उसका नाम डॉली था। इंडिया में जो बना वो असमीज बफेलो थी, भैंस थी। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली लैब्स में वैसा ही एक, मतलब जैसा शीप होता वैसा शीप डिज़ाइन करते हैं और उसमें लाइफ लाने की कोशिश करते हैं, बनती भी सर्वाइव नहीं हो पाती, इसमें अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एलपीजी, C4H10। नेक्स्ट, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चाय में कौन सा अम्ल होता है, विच एसिड डस टी कंटेन, टैनिक एसिड। भाई बहुत सारे लोग टी लवर्स होते हैं तो वो जो टी लवर्स हैं तो वो किसके एडिक्ट हो जाते हैं, टैनिक एसिड के एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स इज यूरिया, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर को क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं। एक होती है खाद जो किससे बनती है, हमारे जो भी डेड डिकिंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक होती है, और उर्वरक क्या होते हैं, जो केमिकल होते हैं जिनसे जो पौधों में कीड़े मकोड़े लगते हैं तो वो हटते हैं और उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ज़मीन की। तो जो फर्टिलाइजर्स यूरिया हम डालते हैं तो वो किस उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस इज द रीजन फॉर बींग इन वाटर, स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण। देखो दो टाइप की हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट होती है, एक होती है परमानेंट एक होती है टेम्प्ररी। तो जो परमानेंट हार्डनेस आती है वो किसके कारण आती है, कैल्शियम सल्फेट के कारण आती है। ठीक है, और जो टेम्प्ररी हार्डनेस है उसको हम किससे रिमूव कर सकते हैं, सिंपल बॉइलिंग से। क्लियर है, नेक्स्ट। इन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं हम, तो जो ह्यूमन साइंस है मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हेवी मशीन्स, भारी मशीनों में स्टीरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो भी हेवी मशीन्स होती हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ चल रही है मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जनरेट होती है, घर्षण होता है, इसी कारण हम चल पा रहे हैं। अब जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है और वो फिर क्या क्या करती है, हमारी मशीनरीज को ख़राब करना शुरू कर देती है, उसमें वियर एंड टियर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रॉपर फ्रिक्शन कम हो, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रीसी मटेरियल वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आप लोग ने देखा होगा जिसको नॉर्मल वो ग्रेफाइट हम हैवी मटेरियल्स में यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो हमारी साइकिल हो गई या गाड़ियाँ होंगी तो उसमें हम ग्रीस लगाते हैं ना, तो इसलिए कि भाई फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन को मेंटेन रखें, कम रखें। ठीक है,
नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम डोनर टू आई डोनर? नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो जो कॉर्निया होता है, अब देखो कई बार ऐसा होता है, जब मैं छोटी थी तो आई थिंक कि जब आई डोनेट करते हैं ना तो पूरी की पूरी आंख निकाल लेते हैं, नहीं वो वैसा नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ जो कॉर्निया होता है ना वो ट्रांसप्लांट होता है, और करना चाहिए आई डोनेशन। हूज स्टडी इज क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? पीरियड ऑफ टाइम, देखो ये जो वर्ड है ना क्रोनो, इसका मतलब ही होता है टाइम, ठीक है? टाइम वो भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम, लंबे, कहते ना कोई भी चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्रॉनिक डिसीज है तो वो लंबे समय तक, लंबे समय से आपको वो डिसीज हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। सुना होगा ये टर्म आप लोगों ने। तो जो क्रॉनिक वर्ड है वो टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत सिंपल है, हम जहाँ पे भी कांच बनाते हैं, कांच क्या होता है हमारा एक सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं हम उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें बहने की थोड़ी सी टेंडेंसी शो करती है, ठीक है। अमोफिस होता है, भंगुर होता है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट गोज इंडिपेंडेंट? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो जो सल्फर है वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है, लाइक मी। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 12 बजे की क्लास में। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए जाने से पहले। थैंक यू, बाय बाय।